ये मेरा फर्स्ट मोमेंट है जब कोई मुझे ऐसे मिलने आया भाई, बिल्कुल एक्साइटमेंट लेवल ना बिल्कुल हाई है। सो हे माइटी फैमिली, दिस इज अनमोल कपूर, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी का सीन कुछ ये है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और जैसा कि मेरे पुराने व्यूअर्स को तो पता है बट मेरे नए व्यूअर्स को नहीं बताऊंगा इस टाइम मैं कहाँ जाता हूँ। तो अभी मैं बता देता हूँ, इस टाइम मैं जाता हूँ अपने जिम, क्योंकि 4 दिन से तो मेरे साथ पोपट हो रहा है क्योंकि मैं 4 दिन लगातार जिम जा रहा हूँ बट जिम ही बंद है। मैं जाता ही दोपहर को हमारा जिम बंद हो जाता है, तो फिर आज सोचा कि आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ जाता हूँ तो जल्दी जल्दी जिम जाऊँगा, जल्दी अपना वर्कआउट हो जाएगा, फिर आराम से अपनी डाइट लेंगे, फिर आराम से अपना घर पे जाके ब्लॉग शूट करेंगे, फिर बाहर कहीं पे जाएंगे, क्योंकि जिम नहीं लगाता ना तो फिर मूड भी नहीं बनता अपना। एंड भाई आजकल तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लगती है क्योंकि ठंड भी हो गई है और अभी तक उजाला भी नहीं हुआ, 6 बज गए हैं। तो फिर चले फ्रेंड्स, आज तो बाइक पे जाना है, बाइक निकाल ली है, अभी मिलते हैं आपको जिम जाकर। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जिम तो पहुँच गया हूँ बट आज जिम खुला हुआ है भाई, आज तो खुला हुआ है, आज तो दब के वर्कआउट करूँगा, ये खुला हुआ अपना जिम। तो फ्रेंड्स अभी अपना वर्कआउट कंप्लीट हो गया और पता नहीं जिम में किसने मेरे गोरिल्ला ट्राइपॉड को कहाँ कर दिया, तोड़ ही दिया, ये देखो मेरे गोरिल्ला ट्राइपॉड को तोड़ दिया। कहते हैं ना, अगर उठाने वाले भी बहुत हैं तो गिराने वाले भी बहुत हैं, वो उनमें से हैं। तो इन्होंने पता नहीं क्या किया, मेरा गोरिल्ला ट्राइपॉड बिल्कुल ठीक था, पता नहीं क्या तोड़ दिया इन्होंने, बट चलो कोई बात नहीं, मैंने रुकना तो नहीं है, मैंने ब्लॉगिंग करते जाना है, इसको क्या होगा, 5 रुपये की फेविक्विक आके इसको जोड़ लेंगे अभी। सो फ्रेंड्स अभी मैं घर पहुंच गया हूं एंड ये भी मैंने फेविक्विक से जोड़ दिया, देखो पक्का जोड़ लगा दिया, इधर से तोड़ दिया था, किसी ने खींच के नीचे मारा किसी ने, मैं तो था नहीं जिम में। सो फ्रेंड्स अभी जो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं वो अपने गोरिल्ला ट्राइपॉड को पकड़ के कर रहा हूं, और अपना गोरिल्ला ट्राइपॉड फेविक्विक लगाने के बाद बिल्कुल परफेक्ट सा हो गया, अब नहीं टूटने वाला है ये कभी भी। तो अभी एक्सरसाइज भी अपनी कर ली थी तो अभी अपनी डाइट लेते हैं, ये मैंने रात को साबूदाना भिगो के रखा था तो अब चलेगी साबूदाने वाली खीर। सो फ्रेंड्स अभी का सीन कुछ ये है कि अपनी पेट पूजा तो कर ली है, अब एक्टिवा निकालते हैं बाहर, क्योंकि एक्टिवा बहुत ज़्यादा गंदी पड़ी है, धोते हैं, ये पड़ी अपनी पाइप एंड ये मैंने डब्बे में सर्फ घोल लिया था। सो फ्रेंड्स अभी मैंने अपनी एक्टिवा बाहर निकाल ली है और एक्टिवा बाहर निकालते निकालते ये स्टैंड मेरे पैर पर लग गया, ये देखो छिल गया पूरा पैर। ओ भाई तो ये देखो एक्टिवा कितनी गंदी हुई पड़ी है भाई, आगे से तो ये मिट्टी, ये देखो पाइप लगा दी है, अभी पानी ऑन करते हैं फिर धोते हैं इसको। तो फ्रेंड्स अभी मैं अपनी आँख के पास हो रहा था तभी मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आई, मतलब ये मोमेंट ना मेरी ज़िंदगी का ऐसा मोमेंट है जो हैप्पी मोमेंट है। तो वो कॉल आई तो बात क्या हुई थी कि सुबह मैं जिम गया था, तो ठीक है जिम से वापस आया तो जिम वाले भैया ने ना किसी को नंबर दे दिया मेरा, एक ब्लॉगर आता है मतलब बिगिनर लेवल का ब्लॉगर है, तो उनको नंबर दे दिया मेरा, तो वो अब कहते हैं कि उनका फ़ोन आया कि मुझसे मिलना चाहते हैं, तो फिर मैं अभी उनके पास ही जा रहा हूँ, अभी बाइक उठाता हूँ, बाइक भी धोनी है, एक्टिवा भी धोनी है, अभी धोते धोते अभी धोई नहीं है एक्टिवा, तो फिर बट स्पेशल मोमेंट है तो इसलिए जाना तो पड़ेगा, एक्टिवा बाद में धो लेंगे बट फिर भी अपना करना तो है अब। तो वो जो भैया हैं वो मेरी कॉलोनी के बाहर ही खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, तो अभी मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, ये पड़ी अपनी बाइक, धोनी है इसको भी अभी। तो फ्रेंड्स ये है देखो भैया, हेलो कर दो भैया। हेलो। और ये इनका यूट्यूब चैनल भी है, अपने चैनल का नेम बता दो। कृष्णा जिम लवर 191। कृष्णा जिम लवर 191 इनका चैनल का नेम है। और आप क्या करते हो, ब्लॉगिंग करते हो? ब्लॉगिंग विद जिम एक्सरसाइज। ब्लॉगिंग विद जिम एक्सरसाइज बेटर, क्या करते हो, ट्रेनिंग वगैरह करवाते हो या? ट्रेनिंग भी देते थोड़ा बहुत, बाकी खुद का बाकी खुद की एक्सरसाइज। ये मेरा फर्स्ट मोमेंट है जब कोई मुझे ऐसे मिलने आया भाई, बिल्कुल एक्साइटमेंट लेवल ना बिल्कुल हाई है। कल हम कुल्लड़ पिज़्ज़ा वाले से मिल गए अनएक्सपेक्टली बट आज हम भैया से मिल गए, क्या बात है। तो फ्रेंड्स अभी मैं घर पहुंच गया हूं और देखो मेरे पापा जी, हेलो कर दो। हेलो। तो चलो फिर से अपनी एक्टिवा को ही धोते हैं। सो फ्रेंड्स अभी मैंने अपनी एक्टिवा भी धो दिया और देखो क्या मस्त चमक रही है,
इतनी मस्त अच्छी तरीके से धोई है ना, इतना तो मैं खुद नहीं नहाता जितना मैंने आज इसको नहला दिया। तो अभी लग रही है तगड़ी वाली भूख, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, मिलता हूँ आपको खाना खाने के बाद। सो फ्रेंड्स, अभी का सीन कुछ ये है कि अभी बज रही हैं दोपहर के 4 और मैंने खाना भी खा लिया था, नहा भी लिया था और सो भी गया था। तो अभी उठा हूँ 4 बजे क्योंकि यार क्या करूँ, रात को मैं सोता नहीं हूँ, रात को अपनी राइटिंग चलती है, दिन में नींद आती है तो फिर 2-3 घंटे की नींद पूरी कर लेता हूँ। तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो 3-4 दिनों में मेरे साथ जो बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट हुए हैं ना, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट मूवमेंट था जब दिवाली से 1 दिन पहले, जब एक छोटी बच्ची अपने पापा मम्मी के साथ बाइक पे जा रही थी, तो मैं वैसे ही बाहर निकला हुआ था, मैं देख रहा था अपनी लाइटें वगैरह, लड़ियाँ वगैरह देख रहा था कि सही लगी है कि नहीं। तो एक बच्ची अपने पापा के साथ आगे बैठी हुई थी, टैंकी पे बैठी हुई थी, तो मुझे बाय करके गई। बाय भी कैसे करके गई, मतलब जानती भी नहीं थी मुझे, बट ऐसे कह के गई, पापा पापा वो ब्लॉगर है, ब्लॉगर ब्लॉगर भैया, ब्लॉगर भैया, ऐसे करके ब्लॉगर भैया ऐसे करके बाय करके गई। एक तो ये हो गया, अब दूसरा ये हो गया कि कल मैं गया था तलन साहिब गुरुद्वारा, तो वहाँ पर हमें मिल गए कुल्लड़ पिज़्ज़ा वाले फेमस कपल, जो जलंधर पंजाब का फेमस कपल है, वो वहाँ पर मिल गए एक्सीडेंटली, वो वहाँ पर मिल गए थे। तो भाई साहब मज़ा आ गया, बिल्कुल डाउन टू अर्थ बंदे हैं वो, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। एंड थर्ड आज हो गया, जो मैंने आपको सुबह दिखाया कि भैया जिम वालों से मेरा नंबर लेके मुझसे स्पेशली मिलने आए, कहते कि हम आपके ब्लॉग देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, तो यही चाहिए कि आपके सपोर्ट की वजह से मैं हूँ, आपकी सपोर्ट है, एक मेरी मेहनत है, एक ऊपर वाले का आशीर्वाद और एक आपका सपोर्ट, बस इसकी वजह से ही हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, ये देखो शुरली कैसी है, कुपोषित सी, कितना पतला डंडा है भाई, कुपोषित लग रही है ये पूरी। फ्रेंड्स, अभी का सीन कुछ ये है कि अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं जा रहा हूँ हर्ष के घर। आज एक्टिवा पे नहीं जाना, आज पैदल ही जाना है क्योंकि आज हर्ष चंडीगढ़ से आ गया, तो थोड़ी बातें हुए करते जाएंगे, तो उससे पूछेंगे आज कैसा रहा उसका दिन। सो फ्रेंड्स, हर्ष तो अभी सो रहा है, हर्ष के भाई से ही मिल लो, गन्नू। हेलो 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 हेलो। सो फ्रेंड्स, अभी हर्ष सोया हुआ है, दोपहर को इसकी कॉल आई थी मुझे, कहता मैंने आज खेलने जाना है, बट अब ये कह रहा है मैंने सोना है। उठ जा हर्ष, जल्दी उठा दो यार, कोई तो उठा दो इसको। सो फ्रेंड्स, हर्ष तो अभी सोया हुआ है, तो अब मुझे एक्टिवा पे ही जाना पड़ेगा। वैसे एक्टिवा में इतना पेट्रोल नहीं है, बट देख लेता हूँ अभी पेट्रोल होगा तो फिर, वरना पेट्रोल भी पड़वाना पड़ेगा, फिर चलते हैं। यहाँ तो धोई भी है, देखो कितनी साफ सुथरी लग रही है अपनी एक्टिवा। सो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि एक्टिवा में ज़्यादा पेट्रोल नहीं है, बट मेरा भाई कह रहा है कि पेट्रोल है, आ जा। अगर तू नहीं घूमेगा तो फिर तू सीधा घर पे आ जाएगा, अगर तू घूमेगा वहाँ पे तो फिर पैदल तुरके आएगा। बट मुझे नहीं विश्वास, मुझे पैदल आना पड़ेगा, वरना धक्के लगा के एक्टिवा को किसी की मदद दे के आना पड़ेगा। बट फिर अभी रिस्क लेते हैं, अभी रिस्क लेना ही पड़ेगा, चलो फिर चले। सो फ्रेंड्स, अभी मैं पार्क तो पहुँच गया हूँ, ना आज हर्ष आया और ना ही बाकी प्लेयर आए हैं, कोई भी नहीं आया। वैसे तो यहाँ पर क्रिकेट खेलते होते हैं कुछ बच्चे, बट आज वो भी नहीं आए, ना फुटबॉल खेलने गए, बट अब देखो कब तक आएंगे, 6:20 हो गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। आज थोड़ा उजाला भी है तो आराम से खेला जाएगा, अब अकेले ही बैठ के टाइम पास करना पड़ेगा, कोई नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं। सो फ्रेंड्स, अभी अपना मैच ख़त्म हो गया, आज ज़्यादा प्लेयर नहीं आए थे इसलिए बच्चे बच्चे आए थे उनके साथ ही खेल लिया। हेलो कर दो, हेलो हेलो, बाय बाय, हेलो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं घर पर पहुंच गया हूं और मुझे लग रही है तगड़ी वाली भूख, और मैं लेके आ रहा हूं दुकान से अपनी मैगी, क्योंकि मैगी अपनी फेवरेट है, भाई की मैगी फेवरेट है ना। आज इसने भी दोपहर को चट चट खा गया आराम से, मुझे दी नहीं, आराम से खा गया, एक चम्मच दी सिर्फ, एक चम्मच में क्या बनता है, मैं सो के उठा था, ये आराम से खाता जा रहा था, खाता जा रहा था, मैंने कहा खाने की आवाज़ आ रही है, कुछ खा तो रहा है ये, टेस्टी 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 ऐसे बोल रहा था, मैं जब सोया हुआ था ना ये ऐसे ऐसे चढ़ा रहा था, टेस्टी मैगी कितनी टेस्टी बनी है, तब मैं उठा था। एंड एक तो हमारे घर की लाइटिंग ऑब्सेस्ड हो गया हूँ मैं इससे, बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गया हूँ, क्या चमक डालती है ये, पूरी अपनी गली में ही पूरी चमक इसकी है। अंकल जी एक मैगी दी हो, जल्दी दे रहा हूँ अंकल जी, मैगी मैगी दे दे भाई एक। सो फ्रेंड्स, अभी घर पहुँच गया हूँ और अपने हाथ में अपनी मैगी अभी बनाते हैं, और आपको एक और बात भी बतानी है मैंने, वो भी बनाते बनाते बात बताता हूँ आपको मैं। सो फ्रेंड्स, बात कुछ ऐसी है, मैं जिस दुकान पे अभी मैगी लेने गया था ना, वो अंकल जी मुझे 2-3 दिन से कह रहे हैं कि मेरी वीडियो बना दे, क्योंकि उनका भाई है ना, वो ना गुम गया है, वो अपने भाई की न्यूज़ देना चाहते हैं कोई। सो फ्रेंड्स, अभी अपनी मैगी तो बन गई है, देखो क्या खुशबू आ रही है, और उधर देखो
मुंह में पानी पहले ही आने लग गया। अभी मैं जैसे ही मैगी खा के बाहर निकला हूँ ना, ये ध्रुव अपने साथ पटाखे ले आया है। ये देखो अभी लुका लिए इसने, ये इसकी दिवाली अभी तक खत्म नहीं हुई, अभी ये चला के दिखाएगा। चल भाई पहले कौन सा चलाएगा? अनार बम चलाते हैं पहले। अनार बम चलाने लगा, ये अनार बम जैसा, ये नहीं सुधरने वाला। आसपास के घर वाले अब बोलेंगे, ये तभी भी नहीं सुधरने वाला। देखो क्या बोलेंगे इसके दिवाली। बूम, चल वो टेढ़ा हो गया, टेढ़ा। अब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी क्योंकि वहां पर कार थी, तो अब इधर ही आ गया ये भाई अपना। चल भाई माचिस बुझ रही है, कोई बात नहीं। चल सबको कह रहे दिवाली है आज। ओ भाई तो फ्रेंड्स एक बार फिर अपनी डायरेक्शन चेंज होने जा रही है क्योंकि ध्रुव ने पटाखा चलाया तो अंकल घर से बाहर आ गए। अंकल घर से बाहर आके कहते तेरी दिवाली अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तो इसलिए हम पार्क जा रहे हैं पटाखे चलाने। तो फ्रेंड्स अभी चलने जा रहे हैं अपना तोता बम। तोते जैसे उड़ेगा लगता है ये। सबको आगे 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 दिखाओ, आराम से पीछे चल जाना ठीक है, मैंने मुंह पे ही आएगा। भी ये देखो क्या कर रहा है, बुलेट बम चला रहा है और उसके ऊपर कटोरी रख रहा है। डर क्यों रहा है? चल चला दे, चला दे, देखते हैं प्लेट कितनी ऊपर जाती है। चल प्लेट नहीं, प्लेट ऊपर ही नहीं है भाई। ओ प्लेट किधर गई? ओए ये बड़ी प्लेट देखो, ओए गर्म होगी। ये देखो प्लेट, ये आधा पटाखा बाहर था इसलिए ज्यादा ऊपर। हाँ फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही। सो आई होप गाइस आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।